हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। यानी यहाँ पर एक मैच हो रहा है यूएसएल चैंपियनशिप लीग का, जो कि खेला जाएगा मेरे भाई सीबी वर्सेस बीआरएल के बीच, जो कि चार्लेस्टन बैटरी और बिरमिंघम की बात कर रहा हूँ। 4:30 बजे सुबह, शनिवार है, कई लोगों की छुट्टी है और कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई इनकी इस मैच की टीम ज़रूर देना। मुझे नहीं पता क्यों भाई, क्योंकि यूएसएल चैंपियनशिप आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लीग है वैसे तो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, तो बात करें इस मैच की। सीबी एंड बीआरएल में जेन्युइन सी बात है भाई, सीबी टीम ये मैच जीतेगी। सीबी टीम लास्ट सीज़न रैंकिंग में देखा जाए तो भाई साहब टॉपेस्ट पे थी, मतलब अगर मैं बात करूँ तो टॉप फाइव में इस टीम की बहुत अहमियत है, बहुत अहमियत है यूएसएल चैंपियनशिप में। यूएसएल चैंपियनशिप में की बात कर रहा हूँ, अकेली लीग में तो पता नहीं क्या करे टीम, तूफानी मचा दे भाई अगर किसी अन्य लीग में जगह ले से। एंड बीआरएल की बात करें तो बीआरएल तो बहुत नीचे टीम है, मतलब बीआरएल के लिए एक मैच जीतना भी पहाड़ तोड़ने जैसा है, तो सीबी के लिए तो आम बात है। सीबी लास्ट सीजन करके आई है, सीबी अभी पीछे दिनों में फॉर्म में नहीं दिखी, इकट्ठे 3-4 मैच भी हारी थी, एक साथ ही हारी थी भाई, गोल भी नहीं आ रहे थे, तो सीबी की भी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन देखते हैं कौन कमबैक करते हैं दोनों में से, मेरे को तो सीबी के चांस लग रहे हैं। आगे चलते हैं तो स्ट्राइकिंग की बात करें मेरे भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर एम मायर सीबी का सबसे टॉप प्लेयर, ये बंदा भाई साहब ये फुटबॉलर, मतलब मैं कहता हूँ ये स्ट्राइकर, ये जो बना है ना स्ट्राइकर, ये नेचुरली इसको स्ट्राइकर ही बनना था। मतलब ये बंदा अगर मिडफील्डर गलती से बन जाता ना, आई थिंक ये वो गेम नहीं खेल पाता जो ये यहाँ पे खेल रहा है। मतलब ये बॉर्न टू शाइन है बंदा भाई, ये मतलब क्या गेम खेलता है। जो बंदा इतनी छोटी लीग में इतना लेजेंडरी गेम प्ले दे सकता है, मैं ये सोचता हूँ कल को अगर इसको कोई बड़ी टीम साइन कर लेती है वहाँ पर तो बंदा पागल कर देगा। जिस हिसाब से खेल रहा है भाई, मज़ा आ रहा है यहाँ पर इसको गेम प्ले देख के। उसके बाद जे कॉनवे तो भाई मेरी मना है, मैं कॉनवे को मैं लूँगा नहीं। और बात रही इसकी, ये जो आपका बंदा है एमिलियो यकाज़ा को देखो, मैंने इतना खास कभी देखा नहीं और यकाज़ा के गेम प्ले से मैं उतना वाकिफ भी नहीं हूँ। तो जितना भी वाकिफ हूँ ये है कि ये बहुत वीक प्लेयर है, इसलिए मिडफील्डिंग में चुपचाप से मार्किनिच लो, द टॉपेस्ट गोल करने वाला प्लेयर। मायर्स भी इससे पीछे है, अगर मैंने मायर्स की इतनी तारीफ़ की है ना, तो मायर्स से ज़्यादा तारीफ़ का हकदार ये भी है। दोनों बहुत अच्छे हैं, ये दोनों अपनी टीम के, मतलब मैं कहता हूँ ये ऐसा ड्यूल है कि मैं अगर इनमें से एक प्लेयर भी नहीं खेलता तो दिक्कत है। उसके बाद अगला है मोलॉय, मोलॉय के बाद अगर भाई मेरे एलन लेना ले लो, नहीं लेना तो 4 डिफेंडर ले लेना सीबी के, बस इतना सा सोच लो। उसके बाद स्ट्राइकिंग में टी पैशर, पैशर कभी कभी चलता है भाई, बीआरएल टीम के पास बहुत ज़्यादा विकल्प हैं, ये कभी पैशर को भेजते भी नहीं, कभी ये कभी इसको भेज देते हैं पी कासिम को, कभी ये भेज देते हैं मैक कैटने को, पता नहीं किसको भेजेंगे। उसके बाद मिडफील्डिंग में तो ईम मार्टिनेज आएगा ही आएगा, के हर्नांडीज़ भी आएगा ही आएगा, हर्नांडीज़ के बिना भी इनकी चलती नहीं है, सीधी बात है भाई। नीचे से जो प्लेयर हैं वो 10 में से कभी एक बार चलते हैं, इसलिए मेन काम इन्हीं का है। उसके बाद डिफेंडिंग सेक्शन में चुपचाप यू हैव टू टेक जी स्मिथ के बाद आर्चर तो इनका मेन है, मेन असिस्टर सेकंड डिफेंडिंग पे। सर्जबर्स ठीक है, सर्जबर्स मेरे को उतना तो ठीक नहीं लगता, बट एवरेजली ठीक, नॉर्मल है, बेस्ट तो नहीं है। उसके बाद नीचे करें तो यहाँ पर देखिए पालमा, अगर जगह मिलती अच्छी है, अगर पालमा को जगह नहीं मिलती तो भाई साहब आपको सीबी का प्लेयर जिसका नाम है डोसेंटोस, इसके साथ जाना पड़ेगा। देख लो अब इन दोनों में से कौन खेलता है। एंड गोलकीपिंग की बात करें तो यहाँ पर है ओकेल ठीक है। एंड कैप्टन की बात करें, कैप्टन है मेरा मायर्स, वाइस कैप्टन है मार्किनिच। दोनों बंदों को रिवर्स जरूर करना, अगर आप स्मॉल लीग भी खेल रहे हो, अगर आप 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो तो 5 कॉन्टेस्ट में मेरी इस वाली टीम के साथ जाओ और अगले 5 कॉन्टेस्ट में इनको रिवर्स करो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।